तो ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ये जो दो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स में हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड में हर बार लगभग पूछा जाता है या फिर पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। क्वेश्चन तो है भैया 6 नंबर में, लेकिन है बड़ा आसान, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपको लग भी रहा होगा कि भाई कितना ज़्यादा टफ है ना, बल्कि ये एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में इंपॉर्टेंट है। सो देखियो कैसे करना है, हमें क्या बोला, हमारे पास एक वृत्त है, ये मेरा वृत्त है, ये उसका केंद्र है। यहाँ से एक बाह्य बिंदु आपने पी ले लिए, ठीक है, ये केंद्र आपका ओ है। यहाँ से आपको क्या करना है, ये स्पर्श रेखा एक किसी बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा, इसे मैंने ए बोल दिया, इसे मैंने बी बोल दिया, और इससे इसको मिला केंद्र पे जो अंतरित कोणों का योग है, कोणों का योग जो है वो हमें दिखाना है, इतना, ठीक है। सो देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ये भी पता होना चाहिए। क्या बोला, संपूरक। संपूरक कोण क्या होता है, जब दोनों कोणों का योग 180 अंश दिखाना होता है, मतलब ये वाला कोण और ये वाले कोण का योग संपूरक दिखाना है। सिद्ध क्या करना है, कोण पी प्लस कोण ओ बराबर 180। 180 का मतलब क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संपूरक, ठीक है, संपूरक कोण बोलते हैं। पी को अगर आप ढंग से लिखना चाहो तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्रॉपर वे में, एंगल जो भी होता है बीच में रखते हैं, बी पी ए, एंगल बी पी ए। देखो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा, हर चैप्टर के जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं करा रहा हूँ, और साथ ही साथ एक वीडियो में ऐसा बनाने वाला हूँ पूरे बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन, वो 5 से 6 घंटे की वीडियो होगी, उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है, आप एग्जाम में फोड़ गया होगे। और इस ओ को लिखने का तरीका क्या है, ए ओ बी, इसे हमें 180 सिद्ध करके दिखाना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो रचना में हमें क्या करना है, पहले आप जो जो करते हो ना उसे रचना बोलते हैं। रचना में हमने क्या किया, ये तो स्पर्श रेखा खींचा था, ए को ओ से मिलाया, ए ओ व ओ बी को मिलाने पर, बहुत ही आराम से समझाऊंगा, सिंपल। और आपको पता है मैंने पूरी एनसीईआरटी करा रखी है, और पूरा अगर एनसीईआरटी को अच्छे से आता ना बोर्ड में, आपका हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछ जाता है, ठीक है। अब आपको पता है प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 क्या कहती है, प्रमेय 10.1 क्या कहती है, जो स्पर्श रेखा है, अगर स्पर्श रेखा को, ये स्पर्श बिंदु है और इस त्रिज्या को जब मिला देते हैं आपस में, तो यहाँ पर कौन सा कोण बनता है, 90 का। ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो यहाँ पर भी कितने का कोण बनेगा, 90 का। यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ पर भी 90 बनेगा, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज पे मत जाना। तो देखो प्रमेय 10.1 के अनुसार जो कोण ए होगा वो 90 होगा, व कोण जो बी होगा वो भी 90 होगा, ठीक है। परंतु परंतु चतुर्भुज, आप कहोगे सर चतुर्भुज कहाँ से आ गया, अभी बता रहा हूँ। देखो चतुर्भुज की चारों कोणों का मान कितना होता है, चारों कोणों का योग 360 होता है कि नहीं। अब चतुर्भुज कहाँ है, देखो चार सरल रेखा उसे गृह आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, 1 2 3 4, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी, चार एंगल यही है। एंगल ए और बी का मान कितना है, 90 90। एंगल ओ प्लस एंगल पी, इसका मान तो पता ही नहीं है, 90 और 90 कितने हो जाएंगे, 180। और यहाँ से एंगल ओ प्लस एंगल पी, एंगल का मतलब कोण, ठीक है, अंग्रेजी में एंगल बोलते हैं कोण को, 180 प्लस का है उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है। तो 360 में से 180 घटाओगे कितना आ जाएगा, 180, यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, है कि नहीं, क्वेश्चन में यही तो बोला था, ओ और पी को जोड़ के 180 लाना था, ला दिया हमने, इति सिद्धम, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया।
अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है इसके। कह रहे हैं BL और CM एक समकोण त्रिभुज है, ABC की माध्यिकाएं हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा था, इस त्रिभुज का कोण A समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर है। अगर आपको पता होगा तो जो मेरा NCERT है, NCERT का ये उदाहरण है एक, ठीक है, NCERT का उदाहरण, शायद उदाहरण नंबर 13 है ये, मैं आपको बताऊं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या बोला, आपके पास एक त्रिभुज है ABC जिसका A कोण समकोण, यहाँ A है, यहाँ B बोल देते हैं, यहाँ C बोल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर समकोण बोला है। फिर बोला है कि माध्यिका BL AC पर, माध्यिका बोला है, माध्यिका L, और AL पर एक बिंदु M है, यहाँ से माध्यिका डालना है, ये M हो गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन में बोल रखा था सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है क्या, जो सिद्ध करना वो लिख दो, 4 BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर प्लस 5 BC स्क्वायर। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.8 के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्रमेय 6.1 और 6.8, थेल्स का प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय भी मैंने करा रखा है, उसको भी ज़रूर देखो चैनल पर जाकर, वो बार 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 पूछाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। सो देखो, BL स्क्वायर जब भी किसी भुजा का वर्ग दिखेगा ना, तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि भैया पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ठीक है। BL कहाँ है, ये BL है ना, BL इस त्रिभुज में आ रहा है, तो देखो त्रिभुज, त्रिभुज BLA में, BLA में किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, 90 अंश का सामने वाली भुजा, BL का वर्ग, ये मेरा लंब है, AB का वर्ग प्लस AL का वर्ग, ठीक है, समीकरण एक हो गया। यहाँ BL है, उसके बाद यहाँ पर क्या देखो, CM भी है, लेकिन पहले BL की बात कर लेते हैं। और जब आप प्रूफ करोगे ना, BC चाहिए आपको, BC कहाँ है, देखो ये BC है, ठीक है, यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आना होगा। प्रूफ जिसमें आपको करना है ना, प्रूफ में कहीं AL नहीं है, है क्या कहीं AL नहीं है, यहाँ AL आ रखा है। AL क्या है, ये L क्या है, माध्यिका है ना, देखो चूंकि जो मेरा AL है वो AC का आधा है, या आधा इधर है आधा इधर है, तो AL क्या है, AC का आधा है ना, तो मैं AL की जगह पर क्या रख सकता हूँ, AC रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, मैंने ये AC/2 रख दिया, ऊपर वर्ग इधर वर्ग कर दिया, यहाँ आ गया AB का वर्ग, इधर आ गया AC का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, लॉस ऑफ कितना आ जाएगा, 4, 4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसके गुणा स्क्वायर हो जाते हैं, और ये वाला ऐसे ही रहते हैं। इस तरफ क्या है, BL स्क्वायर, 4 गुणे में आ जाएगा 4 BL स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसको समीकरण मैंने A बोल दिया, कुछ भी नाम दे दो फ़र्क नहीं पड़ता, ए बोल दिया, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, 4 BL स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या चाहिए, CM स्क्वायर, आपको क्या चाहिए, CM स्क्वायर, है कि नहीं, CM कहाँ है भाई, CM, यानी कि मेरे को त्रिभुज लेना पड़ेगा MAC, ठीक है, तो फिर से लिखो त्रिभुज AMC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण कितना है, MC, कर्ण का वर्ग MC स्क्वायर, बराबर लंब क्या है मेरा, AM स्क्वायर, और आधार क्या है मेरा, AC स्क्वायर, ठीक है। मेरे को जो प्रूफ करना है उसमें AM नहीं चाहिए, ये जो AM है वो AB का आधा है, क्योंकि M माध्यिका है, इधर जितना इधर उतना होगा, M माध्यिका बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, चूँकि जो AM है ना वो AB का क्या है, आधा है,
जैसे ऊपर गया था वहीं यहाँ पकड़ दो, ए बी बट्टे दो यहाँ वर्ग है तो वर्ग लग जाएगा, ए बी का वर्ग, ए बी वर्ग, दो का वर्ग चार। अब क्या लेना ना है, लॉस ऑफ चार आ जाएगा, इसके गुणा इसके साथ चार ए सी स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या था मेरा एम सी स्क्वायर, ये बट्टे में इधर के क्या हो जाएगा गुणे में, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा चार एम सी स्क्वायर, इधर क्या है ए बी स्क्वायर प्लस चार ए सी स्क्वायर, समीकरण नंबर बी। देखो चार एम सी स्क्वायर है, चार बी एल स्क्वायर है, ठीक, तो बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर को क्या करना है, जोड़ना है, तो क्या करोगे, समीकरण एक प्लस समीकरण दो। ठीक है, तो बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, यहाँ चार एम सी स्क्वायर और इधर क्या था चार बी एल स्क्वायर। ठीक है, बायां वाला बाईं तरफ जुड़ते हैं, इधर क्या था चार ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस चार ए सी स्क्वायर, तो इधर से चार उभयनिष्ठ हैं बाहर आ गया, अंदर बचा चार एम सी स्क्वायर या सी एम स्क्वायर एक ही बात होता है, और चार बाहर आ गया तो यहाँ से बी एल स्क्वायर, चार ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कितना हो गया पाँच ए बी स्क्वायर, चार ए सी स्क्वायर और एक ए सी स्क्वायर पाँच ए सी स्क्वायर, इधर से पाँच उभयनिष्ठ, अंदर क्या बचा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसे हम समीकरण नंबर तीन मान लेते हैं। क्या जो हमें प्रूफ करना था वो मिला, बायां पक्ष तो मिल गया, दायां पक्ष अभी तक नहीं मिला है, हमें क्या चाहिए बी सी, बी सी कहाँ है देखो ये बी ए सी में, अब देखो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कर्ण क्या है मेरा बी सी, बी सी का वर्ग किसके बराबर होगा ए सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, है ना, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। अब इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, बी सी रख सकता हूँ, रख दूंगा यहाँ पर मैं, अब यही तो प्रूफ करना था हमें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, 100% चांसेस हैं इसके आने के, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पूरी एनसीईआरटी करा रखिए, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो लिस्ट को स्क्रॉल करके ज़रूर देखना।